बीएससी प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। गायत्री कॉलेज संचौर की ऑनलाइन क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी के टॉपिक का। हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियोकार्प ऑफ अगेरिकस। हम अगेरिकस के बेसिडियोकार्प की इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी और बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, तो डेवलपमेंट की विभिन्न प्रकार की प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था। डेवलपमेंट के बाद में जब पूर्ण रूप से बेसिडियोकार्प बन जाता है, जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी भी कहते हैं, फलन पिंड कह सकते हैं, फलनकाय कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत जनन में प्रयुक्त होने वाली संरचना बेसिडियो बीजाणु का निर्माण होता है, तो उस बेसिडियोकार्प की या फ्रूटिंग बॉडी की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो अगेरिकस की प्लांट बॉडी हमें दिखाई देती है, जमीन के ऊपरी भाग पर सत्रिकाकार व्हाइट कलर की संरचना दिखाई देती है, वो मूल रूप से उस पादप का बेसिडियोकार्प कहलाता है। क्या कहलाएगा? बेसिडियोकार्प कहलाता है। ये बेसिडियोकार्प जब हम इसकी बाह्य संरचना पढ़ते हैं तो एक ऊर्ध्व संरचना के रूप में पाया जाता है, उभरा हुआ, जिसके ऊपरी भाग पर इस प्रकार की सत्रिकाकार संरचना पाई जाती है। प्रारंभ में जब ये पूर्ण रूप से सत्रिका विकसित नहीं होती तो छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे इसका आकार पूर्ण रूप से बड़ा हो जाता है। इस बेसिडियोकार्प का जीवन काल लगभग 2 से 3 दिन तक होता है। इसके बाद में जैसे इसमें बीजाणु परिपक्व हो जाता है, तुरंत प्रभाव से ये विघटित होना प्रारंभ हो जाता है। अगेरिकस के बेसिडियोकार्प को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। जो एक डंठन नुमा संरचना होती है, इस प्रकार की लंबी संरचना, इस संरचना को हम स्टाइप नाम देते हैं या सत्रक व्रंत नाम देते हैं। सत्रक कहलाएगी पूरी संरचना, इसको व्रंत कहेंगे। जबकि इसके ऊपरी भाग पर पाई जाने वाली इस प्रकार की गोलाकार सत्रिकाकार संरचना को पेलिस या सत्र के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिडियोकार्प कितने भागों में विभक्त हुआ? पेलिस और स्टाइप के अंतर्गत विभक्त होता है। प्रारंभिक अवस्था में जब ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, तब इसका रंग हल्का भूरा अथवा श्वेत रंग का होता है। लेकिन जैसे ही बेसिडियोकार्प पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, उस स्थिति में इसका रंग काला या भूरा हो जाता है। तो हम रंग के आधार पर आसानी से कह सकते हैं कि सत्रक पूर्ण रूप से परिपक्व हुआ है अथवा नहीं हुआ है। बाह्य संरचना में पहले देखते हैं ये स्टाइप, जो लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, ये एक बेलनाकार संरचना है जो मोटी और मांसल संरचना के रूप में पाई जाती है। स्टाइप मूल रूप से सेकेंडरी माइसिलियम से निर्मित होता है। तो ये किससे निर्मित है? कवक तंतुओं से निर्मित एक जटानुमा संरचना है। प्रारंभ में इसका रंग हल्का गुलाबी अथवा श्वेत रंग का होता है। इस स्टाइप के ऊपरी भाग पर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसकी दो सतह होती है। ऊपरी सतह होती है वो उत्तल होती है, जबकि निचली सतह होती है वो अवतल होती है। तो उत्तल सतह और सेकंड नंबर होती है अवतल सतह। अवतल सतह सत्रक या सत्र अवतल सतह से इस स्टाइप द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। जब ये सत्र पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, उस स्थिति में पूरा खुल जाता है, गोलाकार हो जाता है, तब इसका डायमीटर लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर होता है। ये अलग अलग प्रजातियों और उसको मिलने वाले खाद्य पोषण के आधार पर विद्यमान होता है। रंग इसका हल्का भूरा अथवा पीले रंग का होता है।
अवतल सतह अथवा उत्तल सतह या ऊपरी सतह पर किसी भी प्रकार की कोई विशेष संरचना नहीं पाई जाती, बल्कि डॉट डॉट नुमा संरचना दिखाई जा सकती है। लेकिन इसकी निचली सतह अर्थात अवतल सतह पर लगभग 300 से लगा करके 600 गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स एक प्रकार की पट्टे का नुमा संरचना होती है, जैसे इस प्रकार की पट्टी क्या ये लटकी हुई पतली चीरी नुमा संरचना होती है। कुछ एक गिल्स होते हैं वो उसके केंद्र से उसकी परिधि तक फैले हुए होते हैं, इसकी लंबाई पूरी होती है, और कुछ गिल्स ऐसे होते हैं जिसकी लंबाई कम होती है। तो सभी गिल्स की लंबाई समान नहीं होती, बल्कि भिन्न भिन्न होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। गिल्स इस बेसिडियोकार्प का फर्टाइल पार्ट कहलाता है। विकास के प्रारंभ में सत्र इस टाइप से जुड़ा हुआ होता है। तो ये एक सत्र है इस टाइप है, इस टाइप से इस प्रकार की गोलाकार संरचना पर जुड़ी हुई है। तो ये जुड़ा हुआ भाग कहाँ पर, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये इसका केंद्रीय भाग। जब ये खुलेगा तो यहाँ से तंतुनुमा संरचना विघटित हो गई, फलस्वरूप ये फैल जाएगा। तो इस स्थान पर, जिस स्थान से ये सत्र का किनारे भाग था, परिधीय भाग इस टाइप के भाग से, इस टाइप से जुड़ा हुआ था, उसको विलम नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? विलम। जब ये विलम फट जाती है तो सत्र खुल जाता है। उस स्थिति में विलम का कुछ अवशेषी भाग इस टाइप पर वलय नुमा संरचना के रूप में विद्यमान रहता है। किस रूप में? एक वलय का संरचना के रूप में, जो इस टाइप के चारों तरफ पाया जाएगा जस्ट इस सत्र के नीचे वाले भाग से। इस संरचना को, जो वलय नुमा अवशेष संरचना है, उसको एन्यूल्स अथवा वलयिका कहते हैं। क्या नाम देंगे? एन्यूल्स या वलयिका। तो इस प्रकार से एक सामान्य प्रकार की बेसिडियोकार्प इस टाइप और वृंत के रूप में विभक्त होता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य संरचना उसको कहेंगे जो हमें नग्न आँखों से इसकी दिखाई दे रही है। उसकी बाह्य संरचना किस प्रकार के, रंग कैसा है, उसकी संरचना कैसे, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, वो इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। अब इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या कैसे होती है, तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम दो भागों में पढ़ेंगे। इस टाइप की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होती है, इंटरनल का मतलब हम इसका अनुप्रस्थ काट काटें, जैसे मेरे पास चौक है, मैं ब्लेड से इस प्रकार के काट काटूँ, फिर उसको सूक्ष्मदर्शी से देखूँ, तो वो इसकी कहलाएगी इंटरनल, आंतरिक भाग। और इस सत्र की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके साथ में जो ये गिल्स पाए जाते हैं इस प्रकार की वली अरीय संरचना, इस गिल्स की अनुपस्थ काट के अंतर्गत ये किस प्रकार के दिखाई देते हैं, तो हम सत्र की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, गिल्स की पढ़ेंगे और वरंत की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, ताकि हमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाए कि इसमें कौन सा भाग होता है जो बीजाणु को निर्मित करता है। जब हमें बेसिडियोकार्प की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़नी है, देखनी है, तब उस बेसिडियोकार्प के विभिन्न भागों का, जैसे ये वृंत है, इस टाइप है, इसके ऊपरी भाग में पाए जाने वाले इस प्रकार की संरचना को हम पेलेस कहते हैं या सत्र नाम देते हैं, तो इसकी अनुप्रस्थ काट काटते हैं तब हमें इसकी आंतरिक संरचना दिखाई देती है। इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम इस टाइप की देखते हैं, सत्रिका वृंत की देखते हैं, क्या कहेंगे इसको, सत्रिका वृंत। जैसा कि हमें पता है बेसिडियोकार्प का निर्माण सेकेंडरी माइसिलियम से होता है, अर्थात कवक तंतुओं से इसका निर्माण होगा, तो ये भी कवक तंतुओं से निर्मित संरचना ही होती है। इस टाइप होती है वो सेकेंडरी माइसिलियम से निर्मित एक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें बहुत सारे कवक तंतु आपस में संयोजित होकर के विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण कर देते हैं, जिसको हम आभासी पैनकाइमा कहते हैं। कोशिकाएं कवक तंतु एक दूसरे के पास में इस प्रकार से विन्यासित हो जाते हैं कि हमें वो पैनकाइमा के समान स्ट्रक्चर दिखाई देती है, लेकिन कभी भी कवक तंतु उलझे हुई अवस्था में नहीं पाए जाते, तो उसको नाम देते हैं आभासी पैनकाइमा। तो ये इस टाइप के अंतर्गत कवक तंतु विन्यासित हैं, वो किस रूप में है, आभासी पैनकाइमा, सुडो पैनकाइमा के रूप में पाए जाते हैं।
अब इसी आभासी पैनकाइमा से दो प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। कौन सी? कि परिधीय क्षेत्र पे पाए जाने वाले कवक तंतु, ये कवक तंतु लंबे होते हैं इस प्रकार की संरचना में, लेकिन जब हम अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देती है, तो ये संरचना में दिखाई देती है अनुप्रस्थ काट के रूप में। परिधीय क्षेत्र पे पाए जाने वाले कवक तंतु अधिक पास पास में स्थित होते हैं, सघन विन्यासित होते हैं और सघन क्षेत्र का निर्माण करता है। इस क्षेत्र को नाम देते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स कहेंगे। जबकि इस टाइप के केंद्रीय भाग की ओर पाए जाने वाले कवक तंतु विरलता के साथ में विन्यासित होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं, कॉर्टेक्स की तुलना में कम सघन होते हैं। हम इस पार्ट को नाम देते हैं मेडुला। इसका मतलब इस टाइप कॉर्टेक्स और मेडुला क्षेत्र में विभक्त होता है। कॉर्टेक्स प्लस मेडुला क्या कार्य करते हैं? ये इस टाइप खाद्य पदार्थों को जो अवशोषित होते हैं प्राथमिक सेकेंडरी माइसिलियम के द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थ को शत्रु तक पहुंचाने का कार्य करता है। सेकेंड नंबर आता है इसका शत्रु। इसकी अनुपस्थ काट जब हम डायग्राम बनाएं तो किस प्रकार का बनेगा शत्रु का? तो ये एक गोलाकार संरचना के रूप में होगी। इस गोलाकार क्षेत्र में इस प्रकार की कई अरीय संरचनाएं हमें दिखाई देती है, जिसके ऊपर कई प्रकार की गिल्स पट्टिकाएं इस प्रकार से विद्यमान होती है। जब हम एक भाग को लेते हैं इस प्रकार की उभरी हुई संरचना दिखाई देती है, इसको नाम देते हैं गिल्स। क्योंकि इस टाइप के ऊपरी ही क्षेत्र स्थित होता है, इसलिए इस टाइप के कवक तंतु ऊपर की ओर वृद्धि करने के बाद में फैल जाते हैं और फैलने के कारण गोलाकार संरचना का निर्माण होता है। इसको नाम देते हैं शत्रु अथवा पिलस। तो अर्थात ये जो संरचना है वो क्या है? फैले हुए कवक तंतुओं का एक समूह है जो लगभग इस टाइप के समान व्यवहार करती है। इस पिलस की निचली सतह पर अवतल सतह पर कई पट्टिकाएँ पाई जाती है, अरीय पट्टिकाएँ पाई जाती है, अरीय रूप से विन्यासित होती है। इनको क्या नाम देते हैं? गिल्स कहते हैं। तो गिल्स की जब हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो हमें किस प्रकार की संरचना के रूप में दिखाई देती है? एक लंबी पट्टी का को अनुप्रस्थ काट काटा तो हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स की दिखाई देती है। किसकी संरचना है? ये गिल्स की अनुप्रस्थ काट है। इस पूरे बेसिडियोकार्प की इंटरनल स्ट्रक्चर का जो इम्पोर्टेंट भाग है वो क्या है? गिल्स। और सामान्य तौर पर एग्जाम्स के अंदर ही एग्जाम के अंदर भी इसी से संदर्भित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। गिल्स की अनुप्रस्थ काट में ये दो भागों से निर्मित होता है। एक तो होता है ट्रामासित्र और सेकेंड जो पार्ट होता है उसको नाम देते हैं हाइमीनियम सित्र। पहला भाग है ट्रामा और दूसरा है हाइमीनियम सित्र। ट्रामासित्र क्या है? ट्रामासित्र कवक तंतुओं से निर्मित स्ट्रक्चर है जिसमें सभी कवक तंतु एक दूसरे के समांतर विन्यासित होते हैं, यानी पैनकाइमा के समान स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं और गिल्स का आधारीय भाग का निर्माण करते हैं, इसलिए उसको नाम देते हैं ट्रामा क्षेत्र। इस ट्रामा क्षेत्र के बाद का जो क्षेत्र पाया जाता भाग है उसको हाइमीनियम क्षेत्र कहते हैं। इस हाइमीनियम का जो सबसे पहला भाग होता है उसको नाम देते हैं सब हाइमीनियम अथवा हाइपोथीशियम पार्ट। सब हाइमीनियम ये क्या होता है? इस ट्रामा क्षेत्र के दोनों तरफ समव्यासी कवक तंतु, ऐसे कवक तंतु जिनका आकार जिसका परिमाप एक समान हो, समव्यासी कवक तंतु अनुप्रस्थ रूप से विन्यासित होते हैं। अनुप्रस्थ का मतलब कैसे? जैसे एक कवक तंतु लंबे लंबे हैं तो वो दूसरे इसके क्रॉस में विन्यासित होते हैं और क्रॉस में विन्यासित होकर के हाइमीनियम क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इस क्षेत्र की सभी कोशिका कैसी है? समव्यासी। और क्या करेगी? इस क्षेत्र से गिल्स की उर्वर क्षेत्र का निर्माण होता है। ट्रामा क्षेत्र से दो प्रकार के अतिवर्धीय या ऊर्ध्वाधार संरचना विकसित होती है। एक वे क्षेत्र या ऊर्ध्वाधार संरचना है जिन पर बेसिडियो बीजाणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? बेसिडियो स्पोर बनते हैं, उस संरचना को नाम देते हैं बेसिडियम। क्या कहेंगे? बेसिडियम। बेसिडियम एकल कोशिकीय संरचना
और एकल केंद्रीय की होती है। बेसिडियम पर इस बेसिडियो स्पोर विकसित होने का इसको फर्टाइल पार्ट नाम देते हैं, फर्टाइल। जबकि ट्रामासेत्र से बेसिडियम के समान कुछ और संरचना विकसित होती है जिन पर बेसिडियो स्पोर का निर्माण नहीं होता, अर्थात नॉन फर्टाइल होती है। इन नॉन फर्टाइल संरचना को सिस्टीडिया कहते हैं, सिस्टीडिया प्लूरल वर्ड, सिस्टीडियम सिंगुलर वर्ड। तो ट्रामा क्षेत्र से दो प्रकार के ऊर्ध्वाधर संरचना निकलेगी, फर्टाइल और नॉन फर्टाइल या स्टेराइल। स्टेराइल को क्या नाम देते हैं, सिस्टीडिया देंगे, और फर्टाइल को क्या नाम देंगे, बेसिडियम नाम देंगे। प्रत्येक बेसिडियम के शीर्ष भाग पर कुल चार बेसिडियो स्पोर का निर्माण होता है। कितना होगा, चार बेसिडियो स्पोर। लेकिन ये बेसिडियो स्पोर सामान्य बेसिडियो स्पोर की तुलना में थोड़ा सा भिन्न होता है। क्यों होता है, हालांकि हमें लगता ऐसा है कि इस बेसिडियम के शीर्ष भाग पर बेसिडियो स्पोर लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इस बेसिडियो स्पोर के ऊपरी भाग पर एक हाइलर अपेंडिक्स स्ट्रक्चर विकसित होती है जिसके कारण बेसिडियो स्पोर पार्श्व भाग में लगे हुए स्थित होते हैं, तो थोड़े से तिरछे होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होंगे, ये हम बेसिडियो स्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे तब जाकर के स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से किल्स दो भागों में विभक्त होगा, ट्रामा और हाइमिनियम। हाइमिनियम के अंतर्गत सब हाइमिनियम, बेसिडियम और सिस्टीडियम या सिस्टीडिया पाए जाते हैं। आंतरिक संरचना को पढ़ने के बाद में ये स्पष्ट हो जाता है कि पूरा पूरा फलन का है कवक तंतुओं से निर्मित होता है और उसकी संरचनाएं अलग अलग प्रकार की होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में हमने बेसिडियो कार्प की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी का जिक्र किया है, इसको समझा है। डायग्राम सहित आंसर भी लिखना होता है, इसलिए डायग्राम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। डायग्राम के माध्यम से यदि हमें समझते हैं तो हमें इजी वे से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्लास में अग्रिकस में बेसिडियो कार्प बन जाता है तो इसमें बेसिडियो स्पोर का निर्माण कैसे होता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियो स्पोर एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। बीजाणुओं का प्रकीर्णन कैसे होता है, बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है। थैंक यू, नमस्कार।